नमस्कार, पंजाब की सी टीवी में सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा। जो दर्शकों मौसम अपडेट के साथ फिर लाइव जुड़े हैं और बताएंगे कि आज प्रदेश भर में किस तरह का मौसम जो है वो रहने वाला है। फिलहाल देखिए, कल जो है वो धूप खिली थी, यानी कि कल थोड़ी सी राहत जो है वो लोगों को मिली थी, लेकिन आज से 4 दिन तक मौसम जो है वो ख़राब बना रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। मैं आपको बता दूं, आज से बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया है। और इसी बीच अगर आज की बात करें तो आज मौसम जो है वो बारिशनुमा बना हुआ है, यानी कि बादल जो है वो छाए हुए हैं। फिलहाल लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और रोजाना की तरह मौसम अपडेट जो है वो हम आप तक पहुंचाते हैं कि प्रदेश भर में जो है फिर से मौसम आज करवट बदलेगा, यानी कि लोगों को राहत जो है वो नहीं अभी तक मिल पाएगी, क्योंकि 22 तारीख तक मौसम जो है वो खराब बताया गया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 19 तक जो है वो बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट है, आज से 19 तक यानी कि 2 दिन बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, और 20-21 को येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो वहीं बात करें उच्च पर्वतीय क्षेत्रों की, तो वहां पर देखिए कल राहत ज़रूर मिली होगी, क्योंकि कल मौसम एकदम साफ था, तेज़ धूप खिली हुई थी, लेकिन आज से फिर उच्च पर्वतीय और मध्य पर्वतीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर हिमपात होने की संभावना है और हो भी रहा है। वहीं अगर हम धौलाधार की पहाड़ियों पर देखें तो देखिए जिस तरह से मौसम करवट बदल रहा है, ताज़ा हिमपात जो है वो हो रहा है। वहीं 22 तक मौसम जो है वो ख़राब बताया गया है, तो ऐसे में जो जनजीवन है वो फिर अस्त व्यस्त जो है वो होने वाला है। लोगों को अभी भी राहत जो है वो नहीं मिलने वाली है, 4 दिन मौसम लगातार ख़राब जो है वो बताया गया है। और इसी बीच आज की बात करें तो आज भी मौसम जो है वो बादल देखिए छाए हुए हैं, और आज भी मौसम आज से मौसम का जो ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया गया है। तो लगातार मौसम अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं और बताते हैं कि प्रदेश भर में किस तरह का मौसम जो है वो बना हुआ है। फिलहाल जिस तरह से मौसम खराब बना हुआ है, तापमान में भी गिरावट आई है, जिस तरह से जो तापमान है उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है। मैं आपको बता दूं, जिला कांगड़ा में 30 से ऊपर जो है वो तापमान दर्ज किया जा रहा था, यानी कि बढ़ोतरी जो है वो उसमें दर्ज की जा रही थी, लेकिन जिस तरह से ये बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे हिमपात हो रहा है, तो ठंडी हवाएं शाम के वक्त जो है वो चल रही हैं, तो मौसम में हल्का बदलाव ज़रूर आया है, तापमान में गिरावट ज़रूर दर्ज की गई है। वहीं अगर आज की बात करें तो आज से फिर बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट है और फिर मौसम जो है वो ठंडा होने वाला है। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह धौलाधार की पहाड़ियों पर ये ताज़ा हिमपात हुआ है, क्योंकि कल जो है वो कहीं ना कहीं धूप खिली हुई थी, थोड़ी सी राहत लोगों को ज़रूर इस मौसम से मिली होगी, लेकिन अब 4 दिन फिर लगातार मौसम जो है वो ख़राब बताया गया है, तो कहीं ना कहीं लोगों को फिर से दिक्कतें जो है वो झेलनी पड़ सकती हैं। टाइप तस्वीरें और आप देख पा रहे हैं, ये खूबसूरत तस्वीरें धौलाधार वादियों की ये तस्वीरें हैं और इस पर हिमपात। वही ये लगातार जो बारिश हो रही है, मैं आपको बता दूं जिला कांगड़ा के जो निचले क्षेत्र हैं वहाँ पर गेहूं की कटाई जो है वो कहीं ना कहीं शुरू की थी, लेकिन जिस तरह से मौसम करवट बदल रहा है, बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित जो है वो हो रही है। वहीं बात करें आंधी और ओलावृष्टि की, तो आज देखिए बारिश के साथ आंधी ओलावृष्टि का भी ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया है। तो जो भी किसान गेहूं काट रहे हैं या काटने वाले हैं, तो वो 22 के बाद ही जब मौसम साफ होगा तभी ही कार्य करें, क्योंकि मौसम जो है वो उसके विपरीत है। आंधी और तूफान चलने का आज ऑरेंज अलर्ट है, ओलावृष्टि भी आज जो है वो मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया है कि आज तेज आंधी और ओलावृष्टि के साथ जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर बारिश होगी, और जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं, मध्य पर्वतीय क्षेत्र, वहाँ पर हिमपात के साथ बारिश जो है वो होने की संभावना जो है फिलहाल जताई गई है। लाइव तस्वीरें, और जिसके मैंने कहा कि हर रोज़ की तरह हम आप तक जानकारी जो है मौसमों को लेकर के प्रदेश भर में किस तरह का मौसम जो है वो रहने वाला है जानकारियाँ साझा करते हैं। देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरें, जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी, देखिए थोड़ी राहत जरूर लोगों को इससे मिलेगी।
लेकिन जिस तरह से जो किसान है उनकी जो गेहूं है जो खेतों में बिछ गई है वो उनके लिए थोड़ी सरदर्द जो है वो बनी हुई है, क्योंकि अब गेहूं की कटाई का वक्त है और ऐसे में किसान जो है वो बेहद अब परेशान नज़र आ रहे हैं। वहीं जिस तरह से कृषि विभाग की ओर से ये पूर्वानुमान उनकी ओर से ये लगाया जा रहा था कि इस बार जो गेहूं की खेती है वो अच्छी होगी, और लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है, बर्फबारी ओलावृष्टि हो रही है, उसके उसको देखकर जो है थोड़ा निराशा किसानों में है, थोड़ी परेशानी उनमें है, क्योंकि पहले देखिए बारिश नहीं हुई, फिर बारिश हुई तो संभावना जती कि नहीं फसल अच्छी निकलेगी, लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी हम तस्वीरें आप तक साझा करेंगे कि खेतों में किस तरह से गेहूं जो है वो बुरी तरह बिछ गई है और किस तरह से किसान जो है वो परेशान इस वक्त महसूस जो है वो खुद को कर रहे हैं। जी कमल गौतम कह रहे हैं शिमला में मौसम ख़राब है। जी हाँ, आज प्रदेश भर में बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया है और ओलावृष्टि के साथ मैदानी क्षेत्रों पर बारिश जो है वो बताई गई है। लाइव तस्वीरें रोजाना की तरह मौसम अपडेट, हम प्रदेश भर में किस तरह का मौसम रहने वाला है तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। और आज प्रदेश में देखिए राहत जो है वो 4 दिन नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मौसम लगातार ख़राब बताया गया है और बारिश बर्फबारी का ऑरेंज और येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। अब ऐसे में लोगों से जी कमल गौतम फिर से कह रहे हैं किसान जो बेचारा फिर पिस गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि पहले देखिए बारिश नहीं हो पा रही थी, जब बारिश हुई तो थोड़ी उम्मीद किसानों को दिखी और अब मौसम जो है वो उन्हें सताने जो है वो शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो किसानों की उम्मीदें जगी थी कि अच्छी फसल होगी, पर वो अब कहीं ना कहीं उन्हें देखिए ज़रूर नुकसान जो है वो पहुंचा रही है, क्योंकि मैं आपको तस्वीरें जो है वो ज़रूर साझा करूंगी कि इस तरह से खेतों में जो इस वक्त गेहूं है वो पूरी बिछ गई है। ये देख सकते हैं किस तरह से गेहूं पूरी तरह से बिछी हुई है। तो देखिए महत्वपूर्ण जानकारी मौसम से संबंधित हमने आप तक साझा की है और मौसम जो है वो आगामी चार दिनों तक खराब बना रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। निचले मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो ओलावृष्टि के साथ मौसम बारिश जो है वो बताई गई है। अब क्योंकि जिस तरह से मौसम बार बार करवट बदल रहा है, ज़रूर तापमान में भी गिरावट जो है वो दर्ज हो रही है। राहत देखिए गर्मी से ज़रूर मिल रही है, लेकिन 4 दिन तक लोगों को राहत जो है वो अभी तक बारिश बर्फबारी से नहीं मिलने वाली है। फिलहाल देखिए लाइव महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको साझा की है। अब उम्मीद है कि आप इस लाइव स्ट्रीम को ज़रूर शेयर करेंगे। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा, मिलते हैं किसी और लाइव में, बने रहे पंजाब की सी टी वी के साथ। धन्यवाद।